तो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और अगर आपके पास न्यू डिवाइस है या फिर कोई ओल्ड डिवाइस है, कभी कभी एक प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल जाती होगी, जो कि प्रॉक्सिमेटली जो है सेंसर का एक यहाँ पे फीचर होता है, इसको लेकर। अब अगर यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले तो आपको कैसे चेक करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, मतलब घर बैठे आपको क्या प्रॉब्लम को जो है यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे लेना है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ पे मैं कुछ सॉल्यूशन भी जो है इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप नया डिवाइस परचेज करते हैं या फिर कोई ओल्ड डिवाइस हो, कोई भी हो सकता है, आपके डिवाइस में प्रॉक्सिमेटली सेंसर की जो है प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब इस सेंसर में होता क्या है, जब भी आप अपने डिवाइस से किसी को भी कॉल लगाते हैं तो यहाँ पे जो आपका प्रॉक्सिमेटली सेंसर यहाँ पे जो यूनिट लगी होती है, कभी कभी उसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, या फिर कहें कि कुछ केस भी हो जाता है जिससे जो है आपको प्रॉक्सिमेटली सेंसर वर्क नहीं करता प्रॉपर तरीके से। उस कंडीशन में जब भी आप कॉल करते हैं, तो जैसे ही आप अपने फोन को अपने कान के जो है सामने लेके आते हैं, तो ये एक लाइट जो जलती है यहाँ पे होम स्क्रीन की, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है जब तक आपका फोन जो है यहाँ पे कान में लगा रहता है। और जैसे आप अपने फोन को जैसे एयर से जो है कान से जैसे आप यहाँ पे दूर ले जाते हैं, तो आपका वापस ये लाइट जो है ग्लो कर जाती है, ठीक है। तो ये सेंसर वर्क करता है जब भी आपका डिवाइस में जो सेंसर है अगर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। अब सबसे पहले अगर आपके डिवाइस में अप्रॉक्सिमेटली सेंसर की प्रॉब्लम आई है तो कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चेकआउट करना चाहिए कि आपके डिवाइस में अप्रॉक्सिमेटली सेंसर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर आपके डिवाइस में अप्रॉक्सिमेटली सेंसर जो यहाँ पे यूनिट लगी है वो सही है, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को फॉलो कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन जरूर से मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो अप्रॉक्सिमेटली सेंसर को चेक करने के लिए यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिल जाती है, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आपको इस एप्लीकेशन को जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जस्ट इसको ओपन कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं अगर आपके उसमें सेंसर यूनिट सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्क करने वाला है। अगर जो है सेंसर यूनिट में प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको जो है वापस आपको जाना पड़ जाए कहीं पे भी, मतलब कह सकते हैं भाई सर्विस सेंटर ही जाना पड़ जाए। फिलहाल देख सकते हैं, अगर यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली सेंसर अगर प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा ना भाई, तो इसका कलर जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, अगर अप्रॉक्सिमेटली सेंसर हमारा ठीक होगा है तो, ठीक है। और देखिए, यहां पे ये ट्रिक तभी वर्क करेगी, किस कंडीशन पर करेगी, कंडीशन आपको समझना होगा कि अगर यहां पे ये कलर चेंज होता है और फिर भी आपको अप्रॉक्सिमेटली सेंसर की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका मैं सॉल्यूशन बता दूंगा करना क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम चेकआउट कर लेते हैं कि हमारा अप्रॉक्सिमेटली सेंसर वर्क कर रहा है ठीक तरीके से कि नहीं। तो देख सकते हैं, जैसे हम लेके आते हैं, देख सकते हैं कलर चेंज हुआ, फिर ये देख सकते हैं रेड हुआ, अब फिर से वापस ग्रीन होगा, देखो ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करने से अगर आपको अप्रॉक्सिमेटली सेंसर वर्क कर रहा है और फिर भी जब आप अपने फोन को कान के नियर बाय में लाते हैं तब भी आपको अप्रॉक्सिमेटली सेंसर वर्क नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं, ठीक है। उस कंडीशन में आपको करना क्या होगा कि आपके अपने जो आपके डिवाइस में जो भी ग्लास लगा हुआ है ना भाई, सबसे पहले तो इस ग्लास को रिमूव कर देना, ठीक है। उससे होगा क्या कि क्या कभी कभी होता ही है कि आपका जो ग्लास है ना वो कवर हो जाता है इस यहाँ पे जो अप्रॉक्सिमेटली सेंसर की यूनिट होती है इसमें कवर हो जाता है, जिस कारण से जो है ये अप्रॉक्सिमेटली सेंसर जो है वर्क नहीं करता ठीक तरीके से। आप चाहे तो ये तरीका भी यूज करके देख सकते हैं। और अगर बाय द वे आप यहाँ पे चेंज करने की इसमें एपीके में भी कोशिश कर रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहा कलर, तो भाई इस सिचुएशन में आपको सर्विस सेंटर भी हो सकता है विजिट करना पड़ जाए। अगर आपका डिवाइस इन वारंटी है तो वहां पे आपको काफी अच्छी हेल्प मिल सकती है, ठीक है, यहाँ पे जो है रियलमी की तरफ से। और अगर आउट ऑफ वारंटी है तो देन उसके अकॉर्डिंग जो है आपके डिवाइस के साथ जो है ट्रीटमेंट होने वाला है उसी तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपके डिवाइस में अप्रॉक्सिमेटली सेंसर का प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे पहले तो आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। और एक आध दो बार अगर आप घर पे चाहें तो इनको आराम से यूज करके जो है इन तरीकों को जो है से यूज करके यहां पे चेकआउट कर सकते हैं, और अप्रॉक्सिमेटली सेंसर अगर आपका ठीक होगा तो इजीली जो है यहां पे आपका जो डिवाइस से घर बैठे बन सकता है, ठीक है। तो यहां पे अप्रॉक्सिमेटली सेंसर बहुत मेन होता है जो कि हमारे डिवाइस के लिए होता है, ठीक है। तो वेल, कमेंट में जरूर से बताइएगा आपका ये टेस्टिंग सही चल रही है या फिर नहीं चल रही, कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों, होपली आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।